एक बार लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा शायद अभी आवाज आ गई होगी जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों फ्यूचर लाइब्रेरी का ये ओपीसीएली यूट्यूब चैनल या रमाकांत सर आप जिस भी माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं सभी साथियों का स्वागत है अपने ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर तो जो जो साथी अभी हमारे साथ जुड़े हैं एक बार आइएगा बात करेंगे यूज़ीसी नेट्स के रिलेटेड आप सभी को वेरी गुड इवनिंग और जैसा मैंने आपको कहा कि यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न जो है दोस्तों वो इसी टाइप के बनेंगे जो एग्जाम में पहले पूछे गए वेरी गुड आफ्टरनून आपको भी तो जो जो साथी जुड़े हैं एक बार आ जाइएगा फटाफट लाइक और शेयर कर दीजिएगा साथ ही साथ आप अन्य किसी ग्रुप में भी आप इसको डालते हैं तो वो भी आपके लिए हमारे लिए एक स्वागत योग्य कदम है तो आ, स्वागत है सभी का इस फ्यूचर लाइबिन के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और जैसा मैंने आपको कहा कि आज भी अपन उन्हीं प्रश्नों की बातचीत करेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं ठीक है ना बिल्कुल आपको भी प्रणाम भाई सभी को प्रणाम जैसा अपन बातचीत कर रहे हैं यूजीसी uh, नेट के अकॉर्डिंग अपन क्या करें दोस्तों बातचीत कर रहे हैं और नेट का कंटेंट जैसा कल आपको बाटी सर ने अवेलेबल करवाया आज एक नई क्लास जो है वो मैं आपके लिए उपलब्ध करवा रहा हूं तो आप लगातार यहां से इस चैनल के माध्यम से आप लगातार देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें जो है वो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के फील्ड के भी से आपको सीखने को मिलेंगी तो लगातार आप, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं अपने दोस्तों को जोड़ सकते हैं ये हमारा जो रोजाना जो लाइव का सेशन है वो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है इसका पीडीएफ जो है वो भी आपके लिए उपलब्ध हो जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप आएंगे तो वहां पर आपको इसका पी जो है वो आपको अवेलेबल हो जाएगा तो सभी साथी एक बार लाइक और शेयर कर दीजिएगा जुड़ते हैं नए नए और शानदार प्रश्नों के साथ ऐसे प्रश्न जो आप फर्स्ट टाइम देखेंगे कुछ ऐसे प्रश्न भी अपन यहां क्या करेंगे शामिल करेंगे ऐसे प्रश्नों का स्वरूप अपन शामिल करेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही है साथ ही साथ आपको भी देखने को लगेगा कि हाँ शायद मैंने ये फर्स्ट टाइम ही देखा है मतलब यानी आप काफ़ी लंबे टाइम से लाइब्रेरी साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो लाइब्रेरी साइंस की तैयारी के साथ साथ आपको अच्छे प्रश्नों का समावेश कैसे मिले उसका एक बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो अपने इन ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से आपको देखने को मिल सकता है ठीक है ना बिल्कुल हाँ जैसा सर ने कल आपके लिए क्लास अरेंज की बड़ी शानदार क्लास आपको लगी होगी और जैसा मैंने आपको कहा कि हमारा प्रयास जो है वो हमेशा यही रहता है कि हम आपको ऑथेंटिक स्वरूप में बहुत सारी क्लासेज जो है वो आपको अवेलेबल करवाते रहे बिल्कुल डेली क्लास लगा रहे हैं सभी का स्वागत है आप सभी का आप एक बार जैसे मैंने कहा ना एक तरीका है एक हम लोग एक स्किल डेवलप करवा रहे हैं आपकी एक नॉलेज डेवलप के साथ में आपकी स्किल कैसे डेवलप हो उसका एक बेस्ट एग्जाम्पल अपन ने लिया है यहाँ पर ठीक है ना बेस्ट एग्जाम्पल लिया है दोस्तों पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी का दूसरा नाम क्या है ये हमने प्रश्न लिया है और जैसे मैंने आपको कहा ना कि इस सीरीज में आपको वो प्रश्न देखने को मिलेंगे जो आपने शायद फर्स्ट टाइम देखे होंगे या बुक्स में उनका जिक्र जो है वो बहुत ही कम जगह किया हुआ है ऐसे प्रश्नों का हम लोग क्या कर रहे हैं आप लोगों के लिए समावेश कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं लगातार और अपने जवाब भेज सकते हैं यहाँ पर जिन जिन साथियों के जवाब आएंगे उन सब पर मैं डिस्कस भी करूँगा साथ ही साथ बिल्कुल भाई भोई साहब को भी राम राम आपको भी तो पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी का दूसरा नाम क्या है आपके पास ऑप्शन है इंफोसिस सोसाइटी ऑप्शन है इंफॉर्मेशन सोसाइटी इंफोटेक सोसाइटी या फिर नाम है इंफॉर्मेशन लिटरेसी ये आपके पास में चार क्या है भाई ऑप्शन है कुछ साथियों के जवाब है आप में से तो लगातार आप जवाब भेजते रहिएगा और यहां से अपन बातचीत करेंगे ठीक है ना वेरी गुड इवनिंग सभी को एक बार जवाब की यहां पर अपन बातचीत कर लेते हैं पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी का दूसरा नाम क्या है कुछ साथियों का जवाब आया तो पहले तो आप उत्तर बनाइए ये उत्तर बन जाएगा क्या दोस्तों यह बन जाएगा इंफॉर्मेशन सोसाइटी जिन साथियों का जवाब आया उनकी मैं बात कर रहा हूं देखो अभी ये कुछ साथियों के ये भी आएंगे कि बढ़ती तो बढ़ती है मानिए राजस्थान में नहीं तो अदर स्टेट में भी बढ़तियां हैं खूब सारी आप वहां भी अप्लाई कर सकते हैं अभी एमपी में कॉलेज लाइब्रेर है साथ ही साथ राजस्थान में कॉलेज लाइब्रेन है यूजीसी नेट साल में दो दफा हो रहा है तो मेरे हिसाब से आपको ज्यादा इस बारे में विचार नहीं करना चाहिए अच्छे से आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें आप क्या कर पाएंगे भाई तैयार कर पाएंगे यहां पर अपन ने लिया है कि पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी का दूसरा नाम क्या है तो वो है इंफॉर्मेशन सोसाइटी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कि इंफॉर्मेशन सोसाइटी यानी इसको आप हिंदी में लीजिए हिंदी में यह बनेगा सूचना समाज हिंदी में यह बनेगा क्या भाई सूचना समाज और यहां पर आपको याद रखना है दोस्तों सूचना समाज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला व्यक्ति जो था वो फ्रीज मैकलब था वो कौन था भाई तो वो आप याद रखिएगा वो फ्रीज मैकलब था भाई कौन था तो याद रखिएगा फ्रीज मैकलब या मैचलब जो थे वो क्या थे पहले व्यक्ति थे जो क्या करते हैं भाई सूचना समाज शब्द का क्या करते हैं प्रयोग करते हैं ठीक है साथ ही आपको याद रखना है कि इस शब्द को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका एक व्यक्ति ने निभाई जिनका नाम क्या है भाई तो याद रखिएगा उनका नाम जे मार्टिन है उनका नाम क्या है भाई तो आप याद रखिएगा दोस्तों उनका नाम जे मार्टिन है एक महत्वपूर्ण परिभाषा मैं लेता हूं अगर आपको आता है तो जवाब जरूर भेजिएगा ठीक है ना महत्वपूर्ण परिभाषा है कि सूचना उत्पाद एवं प्रक्रिया दोनों है सूचना उत्पाद एवं प्रक्रिया उत्पाद एवं प्रक्रिया दोनों है ऐसा एक ए, एक परिभाषा है सूचना उत्पाद एवं प्रक्रिया दोनों है ऐसी <clears throat> एक परिभाषा है आपको यहाँ से आप जान भेज सकते हैं और अगर आपको आता है तो कि यह किसके द्वारा दी गई है ठीक है ना बिल्कुल आप कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है लगातार करते रहिए सभी को राम राम और जैसा अपन ने कहा है कि यहाँ से आपको ध्यान में रखना है यहाँ से सूचना उत्पाद प्रक्रिया दोनों है ऐसी एक महत्वपूर्ण परिभाषा यहां पर आपको ध्यान में रखना है जापान में जापान में एक व्यक्ति के द्वारा दी गई थी अगर आप जानते हैं तो बता सकते हैं यहां पर जिस व्यक्ति का नाम जो मैं लिखना चाहता हूं यहां पर जो लिया आ रहा है आप लोगों का जवाब आ रहा है तो जवाब भेजते रहिएगा बिल्कुल भाई आप सभी साथ ही जवाब भेज रहे हैं तो याद रखिएगा ये परिभाषा दी है किसने भाई जे मार्टिन ने दी है ठीक है ना याद रखिएगा किसने दी है भाई जे मार्टिन ने दी है तो जे मार्टिन का जिक्र जो है वो आप जरूर क्या रख लीजिएगा ध्यान रख लीजिएगा सर मैं आपकी टेस्ट को सोल नहीं कर पाती हूं बिल्कुल आप कीजिएगा यहां से आपको बहुत सारी चीजें मालूम चलेंगी पता चलेंगे ठीक है नीचे जवाब आ रहे हैं भाई इंफॉर्मेशन लिटरेसी का तो यहां पर सूचना साक्षरता है याद रखिएगा कौन सा शब्द है भाई सूचना साक्षरता और पाल जी जरकोवस्की क्या है भाई इसके निर्माता रहे हैं पाल जी जरकोवस्की के द्वारा इसके ऊपर क्या किया गया पाल जी जरकोवस्की के द्वारा इस पर क्या किया गया भाई जरकोवस्की के द्वारा इस पर क्या किया गया था फोकस किया गया था मैं इन्हीं में एक नाम छोड़ता हूं आप लोगों के लिए आप सभी साथी जवाब दे रहे हैं बहुत ही अच्छी बात है भाई सत्रह सो गलत हो गया भाई यहां पर है ना सत्रह को आप कीजिएगा सत्रह सो की जगह याद रखिएगा उन्नीस सौ ठीक है मैं यहां पर आप लोगों के लिए इस प्रश्न से संबंधित एक नाम छोड़ता हूं वो नाम है दोस्तों एफ डब्ल्यू लंकास्टर वो नाम है क्या भाई एफ डब्ल्यू लंकास्टर आप भेज सकते हैं कि एफ डब्ल्यू लंकास्टर जो है वो कौन है और उन्होंने किस चीज का निर्माण किया था ये आप क्या कर सकते हैं हमें भेज सकते हैं ठीक है ना बिल्कुल भाई राम राम आपको भी एक बार जैसे मैंने आपको कहा सारे ही प्रश्न जो है वो विशिष्ट होंगे भाई आपको भी आशीर्वाद सभी जो साथी जुड़े हैं बिल्कुल बिल्कुल भाई जे मार्टिन यहां से जो जो साथी बता रहे हैं सभी का स्वागत है बिल्कुल ठीक है नए प्रश्न के साथ में आपको रूबरू करवाना चाहूंगा नया प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है ठीक है ना और नए प्रश्न को देखिएगा द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो है इस बुक का लेखक कौन है ठीक है ना बिल्कुल <coughs> आप दोनों की आप साथ में तैयारी कर सकते हैं जैसा मैंने आपको कहा क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देखिएगा बिल्कुल बिल्कुल भाई पेपरलेस सोसाइटी है बहुत ही आप साधुवाद के पात्र है जिसने भी बताया आप लोगों ने बिल्कुल भाई बहुत अच्छी बात है आपकी तैयारियों का जायजा नाइनटीन सेवनटी एट

अन्य ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं तो जो जो आप जवाब भेज रहे हैं जो जो साथी हमारे साथ जुड़े हैं फटाफट से आ जाइएगा और जवाब आप भेज सकते हैं ठीक है ना <coughs> बिल्कुल ये भाई माई लव प्रेमी डबल जीरो सेवन है ये आप पर्सनल दे दीजिएगा भाई है ना यहाँ सब लोग देखते हैं आपकी बातें ठीक है ना तो बातें पर्सनली बातें जो हैं वो वो क्या बोलते हैं जो निजी बातें वो सार्वजनिक नहीं हो है ना ये भी आप थोड़ा सा रखिएगा सभी साथियों का जवाब सी सी आ रहा है भाई बहुत अच्छी बात है 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 वैसे तो लेकिन ये ये पूर्णतया गलत है। सी जो है, ये इसका उप, उत्तर है, नहीं तो अभी आपके पास तीन ऑप्शन है मैं यहां पर डी मेग्रेगर को ले लेता हूं सबसे पहले यहां पर उत्तर भी ले, ले लेते हैं सबसे पहले उत्तर के बाद में अपन इस और बात करेंगे इस पुस्तक के लेखक जो है वो है कौन भाई वो है डेनियल बेल ठीक है ना इस पुस्तक के लेखक कौन है तो आप याद रखिएगा वो है डैनियल बैल जो है वो इस पुस्तक के क्या है भाई वो इस पुस्तक के लेखक है द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी के लेखक कौन है तो आप याद रखिएगा बी इज राइट अब यहाँ पर आपने जो जो आपने कहा है उसके बारे में बातचीत करेंगे ठीक है ना बिल्कुल बिल्कुल हाँ आइएगा वापिस आते हैं जो जो आपकी व्यक्तिगत बातें हैं वो आप कर सकते हैं कोई उसमें हमारी ओर से कोई वो नहीं है देखो अभी आप प्रश्न देखिएगा डगलक्स मेगरेगर को ठीक है डगलक्स मेगरेगर जो है उनको आप देखिएगा डगलक्स मेगरेगर जो है उन्होंने एक थ्योरी दी है दोस्तों थ्योरी का नाम है अक्स एंड वाई थ्योरी एक्स एंड वाई थ्योरी के निर्माता कौन है भाई तो डगलक्स है यूजीसी नेट में पहले पूछा गया है कि अक्स किसको इंडिकेट करता है और वाई जो है वो किसको इंडिकेट करता है ऐसा एग्जाम में पूछा है ठीक है तो उसको आपको क्या रखना है ध्यान में रखना है एक बार मैंने कहा ना आप लाइक शेयर कर सकते यूजीसी नेट में नेगेटिव मार्किंग है बिल्कुल नहीं है भैया नेगेटिव मार्किंग नहीं है एक परसेंट भी क्या नहीं है भाई नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप जितने आप राइट करेंगे उतना आपको यहां पर क्या होगा फायदा होगा ठीक एक्स एंड वाई थ्योरी है अक्स थ्योरी जो है उसके लिए बात करेंगे दोस्तों तो अक्स तो जो है वो निराशावादी है अक्स जो है वो क्या है भाई वो निराशावादी है और वाई जो है वो क्या है भाई तो आप याद रखिएगा वाई जो है वो आशावादी है ठीक है यहां पर एग्जाम में ऐसा प्रश्न नहीं पूछा गया लेकिन याद रखिएगा ठीक है भाई प्रणाम आपको भी अक्सर आशावादी है और वो क्या है निराशावादी अब यहां से प्रश्न क्या पूछा गया है यहां से निराशावादी जो है वो है नकारात्मक वो है क्या भाई नकारात्मक और आशावादी जो है वो है क्या भाई सकारात्मक ये परीक्षा में क्या है भाई ये प्रश्न पूछा गया है पहले कि सकारात्मक कौन है और नकारात्मक कौन है वो आपको ध्यान में रखना है बिल्कुल 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 भाई आप यहाँ से जो भी है जो भी आप बातें करते हैं वो आप कीजिए जैसे मैंने कहा यहाँ मत लिखिए लेकिन ये ऐसी चीज़ें जो आपके निजी हैं मतलब सर लाइब्रेरी के बता दीजिएगा प्लीज जैसा मैंने आपको कहा कि आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं अदरवाइज आप डायरेक्ट भी किसी यूनिवर्सिटी जैसे प्रयागराज या जो भी यूनिवर्सिटी है उन यूनिवर्सिटीज़ को आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं उनका जो गूगल पे आप डालिए वहाँ पर बहुत सारे अप्रेंटिस की निकलती रहती है तो वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं ठीक है तो नकारात्मक और सकारात्मक दोनों गए अब पूरा पूछ लिया जाए कि एक्स एंड वाई थ्योरी किस पर आधारित है तो आप ध्यान में रखिएगा मित्रों काम को टालने की प्रवृत्ति काम को टालने की प्रवृत्ति काम को टालने की टालने की क्या भाई याद रखिएगा टालने की प्रवृत्ति जो है वो किस थ्योरी में जिक्र किया गया है तो आप याद रखिएगा एक्स एंड वाई थ्योरी में क्या किया गया है भाई जिक्र किया गया है फिर नोटिफिकेशन नहीं आया आप पे उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा भाई ठीक है ना बिल्कुल स्वागत है सभी का सभी हमारे साथ जुड़े हैं तो बिल्कुल जो जो बातें सारी करेंगे मैं एक यहां पर एक नाम छोड़ूंगा आपके लिए ठीक है ना अब आप इस बात को यहीं पर आप ड्रॉप कीजिए कोई नहीं आगे बढ़ती है ठीक है ना मैं इस बारे में ज़्यादा जिक्र नहीं करी मैं एक नाम लिखूंगा यहां से बिल्कुल लगा सकते हैं बस थोड़ा सा दिमाग का जिक्र करना होता है एक नाम लिखा है मैंने वो देखिएगा <coughs> एक नाम लिखा है मैंने डगलक्स इंजेल बोर्ड का ठीक है ना यहां से ले लेता हूं मैं आप अगर जानते हैं डगलक्स इंजेल बोर्ड को तो आप जरूर बताइएगा ठीक है मैंने एक नाम लिखा है डगलक्स इंजेल ठीक है याद रखिएगा दोस्तों क्या नाम लिखा है डगलक्स इंजेल लिखा है आचार संहिता लागिए गुरु बिल्कुल लागी है तो लागू वही है ना जैसा सीन है और भी बहुत सारी वैकेंसी मैंने पहले भी जिक्र किया है सर न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन नहीं आया <laughs> नोटिफिकेशन तो आप यूजीसी नेट का आ रखा है कॉलेज लाइब्रेरी राजस्थान आ रखा है कॉलेज लाइब्रेरी एमपी आ रखा है ईएमआरएस जो है वो दिसंबर में होना है तो चार तो आपके पास ऑलरेडी है ही देखो ठीक है ना कोई इंफॉर्मेशन प्लीज बताएं बिल्कुल यहाँ पर इंफॉर्मेशन का सीन ये है कि आपको वहां अप्रेंटिस की या एज ए ट्रेनी की वैकेंसी निकलती है वो आपको देखना है बिल्कुल यहां पर देखो जवाब आ गया है तो जवाब आप लगातार भेजिए डगल इंजेल बोर्ड को लिखा है मैंने बिलीव वाले भर सकते हैं जैसा मैंने आपको कहा कि आपको तरीका खुद को करना पड़ेगा वाई पावर है नहीं जेड थ्योरी है नहीं है जो थ्योरी नहीं है बेटा वीकनेस है ये भी आपको ध्यान में रखना हाँ बिल्कुल ये हो सकता है जेड थ्योरी विलियम हिंची की है बिल्कुल आप सभी को वेरी गुड इवनिंग और जैसे मैंने आपको कहा कि आप सेशन को लाइव जरूर की लाइक्स जरूर कीजिएगा शेयर करें तो आपकी बहुत बड़ी वो एक क्या बड़प्पन होगा हमारे लिए तो देखिएगा डगलक्स इंजेल बोर्ड दो डगलक्स आ गए हैं एक डगलक्स इंजेल बोर्ड है एक डगलक्स मेग्रेगर है तो दोनों का जिक्र जो है वो मेरे हिसाब से आप क्या हो चुके हैं यहां पर शामिल कर चुके हैं बोर्ड ने माउस बनाया है और ये माउस कब बनाया है तो वो भी आप याद रखिएगा माउस बनाया 1964 में आप स्थान बताना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं भेज सकते हैं सर इंग्लिश लैंग्वेज भी लिखो प्लीज हाँ लिखेंगे भाई इंग्लिश भी लिखेंगे तो इसको आप क्या रखिएगा ध्यान में रखिएगा ठीक है बढ़ जाते हैं नए क्वेश्चन के साथ में नया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है और मैंने आपको बताया ना कि वही प्रश्न शामिल होंगे जो बड़े ही शानदार तरीके के हैं बिल्कुल आप सभी का जवाब आ रहा है 1968 गलत हो गया है भाई राजा जी गलत हो गया बेटा है ना याद रखिएगा नया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है 1964 इज ए राइट क्वेश्चन बिल्कुल 1972 नहीं है बेटा ये भी याद रखिएगा बिल्कुल नया प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया कहां बनाया गया था सिक्सटी तो मैंने लिख दिया है माउस का आप बता सकते हैं कहां बनाया गया था किस जगह पे बनाया गया था वो आप हमें क्या कर सकते हैं भेज सकते हैं शाबाश ओके चलेगा काम आ गया है नया प्रश्न नया देखिएगा नया प्रश्न है कि ड्रेसर यूनिवर्स ऑफ बिब्लियोथेक पुस्तक का लेखक कौन है इंग्लिश में लिखा है तो आपको ध्यान में रखना है ठीक है ना बिल्कुल आपको अच्छी बात है भाई बिल्कुल राम राम आप सभी को वेरी गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून वो जितने होते हैं सारे अपन कर चुके हैं नया प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है देखो और नया प्रश्न आप देखिएगा नया प्रश्न को आप देखिएगा ड्रेसर यूनिवर्स बिब्लियोथेक पुस्तक का लेखक कौन है आपके पास चार ऑप्शन है गेब्रियल नोडे है बी एस केसवन है डी मैग्रेगर है और एम गोपीनाथ है ये तीन नाम जो है वो ने लिखे जापान में नहीं बना बेटा है ना जापान वाला सीन वापिस आपको डिलीट करना पड़ेगा ठीक है ना कोई अकादमी थी वहां बना था आप जितनी देर हमारे साथ लाइव जुड़े उतनी देर में कभी भी आप भेज सकते हैं ठीक है ना हाँ लेबोरेटरी में बना है भाई बिल्कुल बिल्कुल शाबाश भाई बहुत अच्छी बात है यहां पर तीन में आ जाइएगा नया प्रश्न है उसमें सभी साथियों का जवाब आ रहा है ए और उत्तर भी राइट क्या होगा भाई उत्तर भी राइट क्या होगा ए ही होगा ठीक है कुछ से अपन यहां भी कुछ बातें अपन शामिल कर लेते हैं जैसे ये गैब्रियल नोड जो है इस पुस्तक को किस भाषा में लिखा था तो आप याद रखिएगा इन्होंने पुस्तक को, को फ्रेंच भाषा में लिखा था इन्होंने क्या लिखा था इस पुस्तक को फ्रेंच भाषा में लिखा था और सोलह में इसकी इन्होंने क्या कर दी थी भाई इस पुस्तक की रचना कर दी थी यानी इस पुस्तक को क्या कर दिया था लिख दिया था आप मैंने गाना ग्रुप में डाल लिया आप अन्य ग्रुप में शेयर कीजिए पता चले लोगों को कि ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं लाइब्रेरी साइंस में ठीक है ना गेब्रियल नोड जो है वो क्या करते हैं भाई वो इस पुस्तक को लिखते हैं कब सोलह में इस पुस्तक को लिख देते हैं किस भाषा में भाई फ्रेंच भाषा में लिख देते हैं ठीक है क्लियर है बात यहां से अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी अब फ्रेंच भाषा है तो फ्रेंच का मतलब यहां पर है दो शब्द एक है फ्रांस फ्रांस का राष्ट्रीय पुस्तकालय यानी फ्रांस की क्या भाई तो याद रखिएगा, फ्रांस की नेशनल लाइब्रेरी, एक बात ए, फ्रांस की यानी जो जो है, फ्रांस जो है, फ्रांस उसकी नेशनल लाइब्रेरी का नाम एक प्रश्न, ठीक है यहां से कुछ एक और बना देता हूं मैं यूडीसी के यूडीसी यूडीसी, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन के कितने संस्करण कितने संस्करण जो हैं वो फ्रेंच भाषा में प्रकाशित किए गए कितने संस्करण जो हैं वो किस में प्रकाशित किए गए वही फ्रेंच में प्रकाशित किए गए फ्रेंच भाषा में प्रकाशित किए गए कितने संस्करण वो दो चीज़ें मैंने आपको यहाँ आपके लिए क्या कर दिए हैं भाई छोड़ दिए हैं ठीक है, है, है ना आप मुझे पेपर भेज दीजिएगा वो पेपर व्हाट्सअप कर दीजिएगा कोशिश करूंगा भाई मैं है ना ठीक है इस बुक में किसके बारे में है वो भी बातचीत करेंगे बिल्कुल आपका जो भी जवाब है वो सारे हैं सर डी असिस्टेंट लाइब्रेरी का एग्जाम कब तक होगा वो तो देखो आने वाले समय में पता चलेगा उन्नीस सौ है बिल्कुल सत्ताईस है आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर आ रहा है बिल्कुल फर्स्ट वर्ल्ड की फर्स्ट लाइब्रेरी जो है वो आपको ध्यान में रखनी है वो कहाँ है तो वो फ्रांस में है और फ्रांस में क्या उसका नाम है तो आप याद रखिएगा दोस्तों उसका नाम जो है वो है नेशनल बिब्लियोथेक ठीक है ना याद रखिएगा नेशनल बिब्लियो बिब्लियोथेक याद रखिएगा नेशनल बिब्लियोथेक जो है वो उसका क्या है भाई नाम है पोल ओटलेट और हेनरी ला फोंटे है बिल्कुल शाबाश भाई आप जवाब भेज रहे हैं टू एडिशन जो है टू दो संस्करण जो है वो दो संस्करण जो है वो आपको ध्यान में रखना है ये दो संस्करण यूडीसी के क्या है भाई किस भाषा में प्रकाशित किए गए तो आप याद रखिएगा दो संस्करण जो है वो कितनी भाषा किस भाषा ए... में प्रकाशित किए गए तो फ्रेंच भाषा में क्या किए गए पब्लिश किए गए याद रखना आपको दो संस्करण 1905 ठीक है और एक है उन्नीस इसके बाद में दो और बच गए यानी चार यूडीसी में अगर आप जिक्र करेंगे तो यूडीसी के कुल क्या है चार पूर्ण है ठीक है ना और तीन क्या है भाई तीन अपूर्ण नहीं है बल्कि तीन संक्षिप्त है ठीक है याद रखिएगा चार पूर्ण है और तीन क्या है भाई तीन संक्षिप्त है ऐसा आपको क्या रखना है ध्यान में रखना है दो फ्रेंच में है जर्मन में है और इंग्लिश एडिशन है याद रखिएगा बहुत अच्छी बात है जो जो साथी जवाब दे रहे हैं लगातार देते रहिएगा नए प्रश्नों के साथ में आपको रूबरू करवा देता हूं ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी बहुत अच्छी बात है भाई थर्ड जर्मन में है चार पूरे हैं और तीन क्या है भाई संक्षिप्त संस्करण है अब वो आपको क्या रखने हैं ध्यान ड्यू लाइब्रेरी का पार्ट वन में कैसे क्वेश्चन आएंगे ड्यू पार्ट वन में रिसर्च मैथोलॉजी के आएंगे थर्टी का जो थर्टी जो परसेंट है यानी जो रेशियो होता है हंड्रेड का उसमें दो पार्ट में वो डिवाइड है पहला पार्ट है वो है थर्टी और दूसरा पार्ट है वो है सेवेंटी यहां भी सेवनटी में भी पूर्णतया लाइब्रेरी साइंस नहीं है बहुत सारे रिसर्च मैथोलॉजी के पार्ट है भाई ठीक है ना बिल्कुल बिल्कुल नया प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है बड़ा ही आसान सा और एक सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों और इस सिंपल से क्वेश्चन में आपको तैयारी करनी है यहां से नए प्रश्न के साथ में वो है नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज की शुरुआत कब और किस मंत्रालय के अधीन हुई है ये आपको क्या करना है यहां पर जवाब भेजना है भाई ठीक है तो नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज इसके बारे में आपको क्या करना है यहां से जवाब देना है चार कंप्लीट है तीन जो है वो एवरेज एडिशन है बिल्कुल शाबाश भाई नया प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर उसके बारे में भी देखते हैं उसके बारे में भी अपन क्या करते हैं बातचीत करते हैं शाबाश भाई जो जो जवाब भेज रहे हैं बहुत अच्छी बात है बेटा हाँ बिल्कुल भाई आइएगा नए प्रश्न पर आइएगा नया है नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज की शुरुआत कब और किस मंत्रालय के अधीन हुई पहला ऑप्शन है वो है फोर्थ मई 2012 यानी चार मई 2012 संस्कृति मंत्रालय दूसरा है वो है चौबीस मई 2012 मानव संसाधन विकास मंत्रालय तीसरा जो है वो है बीस मई 2012 सांस्कृतिक वित्त मंत्रालय और चौथा जो है दोस्तों वो है चौदह मई सांस्कृतिक विरासत मंत्रालय ये आपके पास में क्या है चार ऑप्शन है आप जवाब क्या कर सकते हैं भेज सकते हैं ठीक है ना सर हिंदी में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है ये कल्चरल डिपार्टमेंट है बेटा ठीक है याद रखिएगा कल्चरल डिपार्टमेंट है बी ऑप्शन यहाँ पर कुछ साथियों का जवाब आ रहा है कोई का ए भी जवाब आ रहा है तो जो जो साथियों का जवाब आ रहा है फटाफट से भेजिएगा जिन्होंने जो बी बी पेटिक लगा रहे हैं वो अपने आप को वहां से गलत मानिएगा राइट ऑप्शन इज फोर्थ मई 2012, हजार फोर्थ मई इन 2012 जो है वो आपको क्या रखना है ध्यान में रखना है ठीक है ना इसको आपको क्या रखना है अच्छे से याद रखना है कौन सा मंत्रालय है तो संस्कृति मंत्रालय यहां से एक क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पहले ऐसे भी आया हुआ है एग्जाम में एक प्रश्न पहले ऐसे भी आया हुआ है कि एनके के एकमात्र अध्यक्ष कौन थे ठीक है ना एनकेसी के एकमात्र अध्यक्ष कौन थे प्रश्न भी एक परीक्षा में यूजीसी नेट में पूछा गया एकमात्र अध्यक्ष कौन थे एनकेसी के एकमात्र अध्यक्ष ठीक है ना बिल्कुल बिल्कुल भाई ठीक है ना जिन साथियों ने भेजा है भेजते रहेगा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल डिपार्टमेंट है ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट आपको ध्यान में रखना है ठीक है नया मैंने आपके लिए छोड़ दिया है देखो यहां पर कि एन के सी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे वो आपको यहां से क्या रखना है ध्यान में रखना है एनकेसी के प्रथम और एकमात्र अध्यक्ष जो थे दोस्तों वो सेम पित्रोदा थे वो कौन थे भाई तो आप याद रखिएगा वो सेम पित्रोदा थे अब आपको ध्यान में रखना है कि इसका निर्माण कब किया गया यानी इसका गठन कब किया गया कि ये कब बना वो आप क्या कर सकते हैं जवाब भेज सकते हैं 2005 तो यूनिवर्सल है मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये किस डेट को बना था तो वो डेट भी आपको क्या करनी है यहां पर बतानी है ठीक है ना बिल्कुल सभी को वेरी गुड इवनिंग राम राम बिल्कुल भाई हाँ भेजते रहिएगा फटाफट अंग्रेज चले गए बहुत अच्छी बात है भाई ये नीचे कुछ साथी हैं देखो वो ब्लॉक कर देंगे भाई देख लेना अपने हिसाब से तेरह जून 2005 को बनाए शाबाश बेटा भाई संदीप की बहुत अच्छी बात है सैंडी जुड़ा अपने साथ में तो ये तेरह जून 2005 जो है वो आपको क्या रखना है दोस्तों वो आपको क्या रखना है भाई ध्यान रखना है शाबाश भाई बिल्कुल बिल्कुल ये आपको क्या रखना है ध्यान में रखना है सेम पित्रोदा थे और ये सेम पित्रोदा उस समय जो प्रधानमंत्री जो थे उनके क्या थे भाई चीफ एडवाइजर रहे हैं वो आपको ध्यान में रखना है ठीक है ना वो आपको क्या रखना है भाई ध्यान में रखना है साथ ही साथ यहां से एक पांच जून की डेट भी आपको क्या रखनी पड़ेगी ध्यान रखनी पड़ेगी ठीक है ना दसवीं पंचवर्षीय योजना में इसका क्या किया गया भाई इसका गठन किया गया यह भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा तो जो जो छोटी छोटी बातें हैं इन्होंने एक परिभाषा दी कि पुस्तकालय उस स्थान को कभी नहीं कहेंगे जिस स्थान पर पुस्तकों का ढेर लगा हुआ हो बल्कि पुस्तकालय उस स्थान को कहेंगे जो जो क्या किया गया हो जो जिसकी स्थापना ज्ञान के एक केंद्र के रूप में की गई हो ठीक है ना याद रखिएगा, ज्ञान के एक केंद्र के रूप में जिसकी स्थापना की गई हो और जो क्या करता हो जो सूचना संप्रेषण का काम करता हो यानी इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करने का क्या करता हो काम करता हो वो आपको ध्यान में रखना है इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करने का काम करता हो उसे क्या कहेंगे लाइब्रेरी कहेंगे 2018 यूजीसी नेट में पूछा गया है ठीक है ना याद रखेगा वो पांच और तेरह है उसका भी आप जवाब भेज सकते हैं अपने यहां दो शब्द होते हैं देखो एक तो होता है गठन ठीक है और एक होता है क्रियान्वयन दोनों को मैं वैसे शब्दों के माध्यम से बताएता हूं एक पहला ये है स्टैब्लिश्ड और ये जो है ये है एक्टिवेशन जो है वो अपन शामिल कर सकते हैं यानी काम शुरू कब करता है और बनता कब है ये दोनों चीजें अलग अलग हैं दोनों को आप अच्छे से समझिएगा ज्यादा समस्या वाली चीजें नहीं है तो नए प्रश्न के साथ में मैं दोबारा आप लोगों को बता देना चाहता हूं यहां 500 नॉलेज यूनिवर्सिटीज 500 नॉलेज यूनिवर्सिटीज के साथ में यूनिवर्सिटी खोलने का भी बोला है इन्होंने बहुत अच्छी बात है वैसे बोलने को तो इफ्ला भी बोला है बेचारा इफ्ला ने भी बोला कि तीन हजार की आबादी पर क्या होना चाहिए एक लाइब्रेरी होना चाहिए कितने हजार की आबादी तीन हजार की आबादी पर एक लाइब्रेरी होना चाहिए ऐसा किसने कहा है ऐसा इफ्ला ने कहा है अभी एम सेट में पूछा गया था ऐसा लेकिन अपने भारत की आज़ादी आप सोचो भारत देश की जो जो पॉपुलेशन है उसको देखते हुए तो तीन हजार पे सोचो कितने लाइब्रेरीज बनेंगे तो नया प्रश्न है आप लोगों ने जवाब देने शुरू कर दिए आइएगा नामामी का पूरा नाम क्या है नामामी एन एम एम आई का पूरा नाम क्या है तो नेशनल मिशन फॉर मेनुस्क्रिप्ट दूसरा है नेशनल मिशन फॉर नेमोनिक्स तीसरा है नेशनल मिशन ऑन मेटाडेटा और, और चौथा जो है वो है नेशनल मिशन ऑफ मिसलेनियर्स ये ऑप्शन है तो आपको यहां ध्यान में है शाबाश भाई भेजिएगा फटाफट भेजिएगा एक बेटा का जवाब आया है बिल्कुल दो हजार तीन शाबाश उत्तर सबसे पहले कर लेते हैं आप सभी का जवाब है उत्तर है नेशनल मिशन फॉर मेनू मेनु स्क्रिप्ट है एक बेटा का जवाब है कि इसकी स्थापना 2003 में हुई है आपको यहां से डेट और बतानी है कोशिश कीजिए अगर आप डेट बताने में कामयाब हो गए तो अन्यथा डेट मैं आपको बता दूंगा मेनू स्क्रिप्ट का मतलब होता है पांडुलिपि ठीक है ना मेनू स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों पांडुलिपि होता है याद रखिएगा और नेशनल मिशन फॉर मेनू स्क्रिप्ट यानी जो राष्ट्रीय मिशन चलाएगा पांडुलिपि के लिए उसके लिए आपको ध्यान में रखना 2003 में इसकी स्थापना है और इसकी डेट क्या है साथ ही इसका मुख्यालय कहाँ है ये आप हमें क्या कर सकते हैं ये हमें आप जवाब लिख के भेज सकते हैं तो जो साथी भेजना चाहें फटाफट भेज सकते हैं जैसा मैंने आपको कहा कि आप लाइक और शेयर कीजिएगा अन्य ग्रुप में भी डालिएगा कि आपको पता चले देखो बिल्कुल भाई एक साथी का जवाब आ गया शाबाश भाई बिल्कुल बिल्कुल अन्य ग्रुप में भी डालिए जो जो ग्रुप आप देखते हैं सारे के सारे नए क्वेश्चन मिलेंगे आपको ये याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा है 2003 में इसका स्थापना की गई है कहा मुख्यालय है तो दिल्ली में मुख्यालय है आपको इसकी डेट बतानी है तो डेट आप भेज सकते हैं ठीक है ना डेट जो है वो आप क्या कर सकते हैं भेज सकते हैं बिल्कुल मुख्यालय दिल्ली में है तो मुख्यालय का तो अपना सॉल्यूशन हो गया भाई मुख्यालय जो है वो कहां है नई दिल्ली में है डेट नहीं आ रही आप लोगों की ठीक है ना तो डेट भी आप भेजिएगा कोशिश कीजिएगा कि आप डेट भी बताएं ठीक है ना जैसा मैंने आपको कहा बिल्कुल भाई पटना में नहीं है मुख्यालय बेटा पटना में नेशनल मेनूस्क्रिप्ट लाइब्रेरी का है भाई ठीक है ना याद रखिएगा नेशनल मेनूस्क्रिप्ट लाइब्रेरी जो है उसका मुख्यालय कहां है पटना में है ठीक है याद रखिएगा आ रहा जवाब आ रहा है, है फरवरी आ गया है तो आप कुछ आगे और भी आएगा शाबाश भाई मैं बता देता हूं डेट आप याद रखिएगा सात फरवरी यानी सेवन फरवरी 2013 हजार तेरह तीन को इसकी क्या की गई थी भाई इसकी स्थापना की गई थी कहां इसका मुख्यालय है इसका मुख्यालय जो है वो कहां पर है भाई नई दिल्ली में है एग्जैक्ट डेट याद नहीं कोई बात नहीं जैसा मैंने आपको कहा ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा पता चले लोगों को कि हां ऐसा भी है तो डेट जो है वो मैंने यहां पर क्या कर दिया भाई मेंशन कर दिया है ठीक है ना याद नहीं रहा कोई नहीं आप फिर ट्राई कीजिएगा याद होता जाएगा ठीक है ना मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म नई दिल्ली 2003 है सबा और फरवरी सात है वो आप यहां से क्या रखिएगा ध्यान रखिएगा बड़ी अच्छी और शानदार क्लास होगी ये मेरी गारंटी है आज की सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट रहेंगे नेशनल मेनुस्क्रिप्ट लाइब्रेरी कहाँ है उसका एक बार जिक्र और कर लेते हैं थोड़ा सा नेशनल मेनूस्क्रिप्ट लाइब्रेरी ठीक है ना मेनूस्क्रिप्ट लाइब्रेरी जो है मेनूस्क्रिप्ट लाइब्रेरी है ये कहाँ है इसको हिंदी में भी ले लेते हैं राष्ट्रीय पांडुलिपि पुस्तकालय कौन सा पुस्तकालय भाई राष्ट्रीय पांडुलिपि याद रखिएगा राष्ट्रीय पांडुलिपि पुस्तकालय जो है वो कहाँ है कब बनता है इसका कोई दूसरा नाम है क्या ये सब बातें आपको क्या रखनी है ध्यान रखनी है ठीक है ना याद आ गया सात बिल्कुल भाई बहुत अच्छी बात है बुक का नाम बता दो यूजीसी लाइब्रेरी में शंकर जुड़ा है बिल्कुल हो सकता है बता देंगे बेटा आप तो मेरे साथ लंबे टाइम से जुड़े हैं देखो बहुत ही हेल्पफुल आदमी है तो हेल्पफुल के लिए तो हम लोग वैसे ही तैयार होते हैं पटना में है याद रखिएगा कहाँ पर है भाई पटना बिहार में इसका क्या है भाई इसका हेडक्वार्टर है, है याद रखिएगा यह कब बना है तो जो जो चीजें हैं कब बना है दूसरा नाम क्या है याद रखिएगा कब बना है दूसरा नाम क्या है याद रखिएगा ठीक है ना ये दोनों चीज़ें आप क्या कर सकते हैं दूसरा नाम आ गया भाई खुदाबक्स ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी है याद रखिएगा सबसे ज़्यादा क्या है भाई मेन्यू स्क्रिप्ट यहीं पर है याद रखिएगा बिल्कुल सबसे ज़्यादा मेन्यूस्क्रिप्ट यहीं पर है यूट्यूब पे आप जुड़े हैं हमारे साथ तो लगातार जुड़ सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से अपनी क्लासें लगातार रहने तो आ जाइएगा फटाफट वापिस आ जाते हैं इसी अपने प्रश्न के साथ में इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जैसे मैंने आपको कहा सारे इंपोर्टेंट है खुदाबक्स ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी है अठारह सो इक्यानवे में क्या है भाई ये बनी है खान बहादुर खुदाबक इसको क्या है भाई इसको बनाने वाले हैं और खान बहादुर खुदाबक्स के पिता जो है जिनका नाम मौलवी मोहम्मद है अच्छे से आप याद रख लीजिएगा मेरे हिसाब से सफिसेंट इंफॉर्मेशन होगी एक क्वेश्चन को लेकर ठीक है ना एक क्वेश्चन को लेकर बहुत सारी बातें हैं वो शायद तक संभव हो गई होंगी ठीक है ही कब दी गई यह भी आप अच्छे से जानते हैं नया प्रश्न है मेरे हिसाब से आप फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे ठीक है ना आप क्या कर रहे होंगे फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे नया प्रश्न है बड़ा ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यह और यह बड़ा इंपॉर्टेंट है ऐसे मानेगा कि पहले बात तो ये पूछा जाएगा पिता से उसने उधार ली पिता ने गिफ्ट की जैसा भी है नया प्रश्न है क्ले टैबलेट मिट्टी की गोली क्या है ये एक महत्वपूर्ण तो प्रश्न है सर सरस्वती महल में सबसे ज्यादा मेन्यू है हो सकता है एक बार नए प्रश्न पे आप आइएगा खान बहादुर खुदाबक है बिल्कुल बहुत अच्छी बात है आइएगा लेकिन मेनुस्क्रिप्ट लाइब्रेरी कौन सा है तो वो नेशनल मेनूस्क्रिप्ट लाइब्रेरी बिल्कुल भाई अपने साथ जो जो साथी जुड़े हैं बिल्कुल नमस्ते भाई आप सभी को स्वागत है और जैसा मैंने आपको कहा कि ऐसे ही प्रश्नों के साथ में अपन रूबरू होंगे जो बड़े इंपॉर्टेंट है पहले प्रश्न आ गया क्ले टेबलेट क्या है मिट्टी की गोली क्या है ठीक है आपके पास ऑप्शन है पुस्तकालय है साप्ताहिक पत्रिका है कोई वार्षिकी है या फिर क्या है भाई सॉफ्टवेयर है हाँ।, हाँ तो पहला आपको यहां से देखिएगा ठीक है पहला इंपॉर्टेंट देख लीजिएगा कि क्ले टेबलेट क्या है तो क्ले टेबलेट में आइएगा आप सभी के ऑप्शन ए आ रहे हैं बिल्कुल लाइब्रेरी ग्रेड से बिल्कुल बिल्कुल भाई बेबलोन में है बिल्कुल लाइब्रेरी है क्या है तो याद रखिएगा भाई पुस्तकालय है कहाँ पर है तो बेबीलोन में है याद रखिएगा ठीक है अच्छे से आपको ध्यान में रखना है बेबीलोन जुड़ा हुआ है दोस्तों किसके साथ में कागज के साथ में भी क्या है भाई जुड़ा हुआ है आप अगर जानते हैं तो कागज के साथ जुड़ा हुआ है उसको भी आप क्या कर सकते हैं आप बता सकते हैं ठीक है ना अच्छे से करेंगे तो अच्छे से समझेंगे ठीक है ना बहुत अच्छी बातें जो जो है सारी की सारी अपन शामिल करेंगे यहां से आपका पहला जवाब क्या है भाई क्ले एपलेट क्या है वो आपको ध्यान में रखना आ जाते हैं नए प्रश्न की ओर नया भी महत्वपूर्ण है बिल्कुल वेरी गुड इवनिंग आप सभी को जैसा अपन करें लगातार प्रश्नों पे नया प्रश्न है वो देखिएगा लाइब्रेरी मिस लेनी के प्रथम संपादक कौन थे ये प्रथम भारतीय पुस्तकालय विज्ञान पत्रिका यानी आप यहां से सीधा सा बनाइएगा कि लाइब्रेरी मिस लेनी क्या है तो आप याद रखिएगा प्रथम भारतीय पुस्तकालय विज्ञान पत्रिका प्रथम भारतीय पुस्तकालय विज्ञान पत्रिका है दोस्तों याद रखिएगा विज्ञान पत्रिका है कौन सी तो याद रखिएगा वो है विज्ञान पत्रिका है कौन सी भाई तो लाइब्रेरी मिस लेनी याद रखिएगा यहां से अपन लाइब्रेरी मिस लेनी का एक क्वेश्चन अपन ने लिया है ठीक है ना तो जवाब भेजते रहिएगा फटाफट आइएगा पहला ऑप्शन आपके पास में है प्रथम संपादक पूछा गया है याद रखिएगा ठीक है ना प्रथम संपादक आपको क्या करना है भाई यहां पर प्रथम संपादक बनाना है बताना है ऑप्शन आपके पास टुक ट्रेस आर रंगनाथन जेएस कोटकर, सियाजी राव गायकवाड़ थर्ड और डब्ल्यूए बोर्डन ये आपको क्या रखना है दोस्तों ध्यान रखने हैं ये ए, महत्वपूर्ण क्या है दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है एडिटेड बाय बी बिल्कुल आप भेजते रहिएगा थ्री लैंग्वेज में इसको क्या किया गया शामिल किया गया 1912 में शाबाश भाई बहुत अच्छी बात है जो जो साथी भेज रहे लगातार आप भेजते रहिएगा जो जो प्रश्न है उनके उत्तर सबसे पहले उत्तर बना लेते हैं तो उत्तर बनाएगा बी ऑप्शन इज राइट कोडकर जो है वो क्या है भाई इस पत्रिका के यानी प्रथम भारतीय पुस्तकालय विज्ञान पत्रिका के क्या है भाई वो संपादक जो है प्रथम संपादक जो है वो कौन रहे हैं तो वो जे एस कोडकर रहे हैं याद रखिएगा इस पत्रिका को संरक्षक प्रदान किया संरक्षण प्रदान किया किसने भाई तो संरक्षण प्रदान किया यानी पैट्रोन इसके कौन थे तो इसके पैट्रोन जो है सियाजी सियाजीराव गायकवाड़ थर्ड रहे दोस्तों याद रखिएगा ठीक है ना ये भी आपको ध्यान में रखा है और बाद में इस पत्रिका को बड़े स्तर पर इसको बढ़ावा देने का काम मान लीजिए या इस पत्रिका को और ज्यादा ऊंचाइयों की ओर ले जाने का काम करने वाले कौन रहे तो वो डब्ल्यू ए बोर्डन है जिनके लिए आप याद रखिएगा कि वो उस समय इस पुस्तक के निर्देशक निर्देशक का मतलब वो यहां पर जो भी दिशा निर्देश देते थे उन्हीं के माध्यम से क्या होते थे संचालित तो होते थे एक छोटा सा प्रश्न है गुजराती मराठी इंग्लिश में बिल्कुल शाबाश भाई जो जो आप आप भेजते हैं लगातार भेजेगा ठीक है यहां से आपको ध्यान एक नाम है ना उपनाम है, आप भेजना चाहें तो आप क्या सकते हैं? सकते हैं। बिल्कुल बाद में इसको बंद कर दिया गया था हाँ, भेजिएगा फटाफट इनका एक उपनाम है ए बोर्डन का, वो आप हमें बता सकते हैं है? बढ़ते हैं नए प्रश्न की ओर उपनाम आप भेजिए उसके बाद में बातचीत करेंगे ठीक है नया प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर स्क्रीन पर है ऑफ कर दिया गया था सही बात है डॉक्टर वेलगा वेंकटपटा ठीक है ना वेलगा वेंकटपा का संबंध जो है वो किस से है ये नया प्रश्न है ठीक है ना मिसलेनिज ए फर्स्ट जर्नल पब्लिश बाय डब्ल्यू ए बोर्डन याद बहुत अच्छी बात है भाई इसको आपको ध्यान में रखना है नया क्वेश्चन जो है वो आप देखिएगा डॉक्टर वेलगा वेंकटपा जो है उनका संबंध किसके साथ में है ठीक है ना उनका संबंध किसके पास है गोपाल पाल तो नाम नहीं है भाई इनका नहीं नहीं गोपाल पाल तो नहीं है याद रखिएगा ये तो उपनाम गोपाल पाल नहीं है याद रखिएगा विलियम बोर्डन उनका पूरा नाम है है यहां से ऑप्शन में आपको बताना है कि उनका उपनाम क्या है तो उपनाम आप जानते हो तो आप पायोनिर कहा जाता है लाइब्रेरी साइंस में बिल्कुल भाई शाबाश बिल्कुल बिल्कुल नया क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर है डॉक्टर वेलगा वेंकपट्टा का संबंध जो है वो किसके साथ में है तो आपके पास ऑप्शन है मॉडल लाइब्रेरी बिल मॉडल लाइब्रेरी एक्ट लाइब्रेरी लाइब्रेरीशन और लाइब्रेरी ये चार आपके पास ऑप्शन है ठीक है तो ऑप्शन के साथ में आप जवाब भेजते रहिएगा फटाफट भेजिएगा जिससे अपने को पता चले मॉडल लाइब्रेरी बिल के साथ में इनका संबंध है याद रखिएगा डॉक्टर वेलगा वेंकटपा जो है उनका संबंध जो है वो मॉडल लाइब्रेरी बिल के साथ में कोई आप में बताना चाहे कि ये मॉडल लाइब्रेरी बिल जो है वो इनके द्वारा यानी इसको मैं हिंदी में ले लेता हूं जिससे आपको थोड़ा सा और ज्यादा आसान हो जाए मॉडर्न लाइब्रेरी बिल याद रखिएगा क्या है भाई मॉडर्न लाइब्रेरी बिल जो है वो आप थोड़ा सा देखिएगा थोड़ा फटाफट करते हैं जिससे अपना टाइम ज्यादा नहीं हो ये बिल जो है वो कब बना था ये आपको बताना है साथ ही इसका कोई इसमें कोई संशोधन हुआ क्या तो वो संशोधन हुए तो वो भी आपको थोड़े से यहां पर क्या करने हैं बताने हैं ठीक है फटाफट से बता दीजिएगा कब बना है और क्या इसमें संशोधन हुए हैं मॉडर्न लाइब्रेरी एक्ट बाय डॉक्टर एस आर रंगनाथन याद रखना है ये भी यहां पर एक्ट में आप अपने वाले भारतीय पुस्तकालय विज्ञान के जनक डॉक्टर एस आर रंगनाथन का नाम जो है वो भी याद रख सकते हैं यहां पर भी इनका नाम याद रख सकते हैं बस खाली वेलगा वेंकटपा जो है उनका आपको क्या करना है वो बताना है तो वो आपको ध्यान में रखना है ठीक है ना यहां पर इन्होंने कब बनाया है दोस्तों तो वो आप ध्यान में रखिएगा जवाब आ रहे हैं क्या कुछ साथ उन्नीस सौ उनचालीस तीस नहीं नहीं वेंकटप्पा की बात कर रहा हूं मैं वेंकटप्पा ने कब मॉडल लाइब्रेरी बिल बनाया था उसका मैं जिक्र कर रहा हूं शाबाश भेजिएगा फटाफट दही है ना याद रखिएगा जून तेबीस ठीक है यानी तेबिस जून और तेबिस जून के साथ में आप याद रखिएगा डेट आप याद रखिएगा सर नाइनटीन को क्या किया गया इन्होंने यह जो जो बिल बनाया था ये इस बिल की यह क्या है भाई राइट डेट है ठीक है ना बिल्कुल भाई दो बार संशोधन हुए एक बार और ध्यान रखिएगा है ना एक बार और ध्यान रखिएगा बेटा तीन बार संसद उन्हें है तीन बार में देखिएगा 1905 नहीं है है ना 1905 नहीं है बेटा ये याद रखिएगा 1905 के साथ आइएगा उन्नीस सौ ठीक है एक ऑप्शन आइएगा क्या भाई उन्नीस सौ पिचानवे उन्नीस सौ पिचानवे के साथ आप याद रखिएगा दो और ऑप्शन आपको याद रखने हैं नहीं है एक 2000 और एक दो हजार पांच महत्वपूर्ण क्या है भाई तीन महत्वपूर्ण संशोधन जो है वो आपको ध्यान में रखने हैं ठीक है ना राजस्थान लाइब्रेरी में साइकोलॉजी आएगी क्या बिल्कुल भाई आएगी सब्जेक्ट में आने के इस बार चांस कम है इस बार फर्स्ट पेपर में ही चांस है तो याद रखिएगा बढ़ जाते हैं नए प्रश्न की ओर दो महत्वपूर्ण प्रश्न और है उसके बाद छोड़ देंगे आसान सा प्रश्न है और बड़ा ही आसान प्रश्न है मेरे हिसाब से आप सभी के जवाब आने चाहिए आसान है कि विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय पुस्तकालय कौन सा है ये आपके पास में क्या है ये आपके पास प्रश्न है ठीक है ना हाँ हाँ फोन आते हैं ऐसी बात नहीं है बिल्कुल लगातार आते हैं तो यहां इस टाइम कॉल ना करें देखो ठीक है ना आ जाइएगा नए प्रश्न के साथ आ जाइएगा और नया प्रश्न अपन शामिल करते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय पुस्तकालय कौन सा है आपके पास ऑप्शन है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी है एक दूसरा है कोलंबिया यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी है तीसरा है कैम्ब्रिज है और चौथा जो है वो पीट्स यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी है तो भाई जवाब आ रहे हैं सभी साथियों के बिल्कुल हाँ भेजिएगा फटाफट भेजिएगा बी ऑप्शन आ रहा है कुछ लोगों का कोलंबिया कर लेते हैं ऑप्शन राइट कर लेते हैं पहले तो तो ऑप्शन राइट इज ए ए का मतलब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का जो लाइब्रेरी है वो दुनिया का क्या है भाई सबसे बड़ा विश्वविद्यालय पुस्तकालय है याद रखिएगा ठीक है ना यहां से मैं छोड़ता हूं आपके लिए सीडी देशमुख का कथन सीडी देशमुख का एक कथन है विशिष्ट कथन है यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज के लिए तो वो आप हमें क्या कर सकते हैं बता सकते हैं और एक मैं यहां छोड़ता हूं डॉक्टर एस आर रंगनाथन का संबंध है एस आर रंगनाथन का क्या है भाई रंगनाथन साहब का संबंध है किसके साथ में यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग के साथ में तो वो भी आप क्या कर सकते हैं भेज सकते हैं शाबाश भाई सभी का धन्यवाद आपने सभी ने जवाब दिए हैं बिल्कुल भाई ठीक है ना बिल्कुल बिल्कुल आप लगातार जवाब आप भेज सकते हैं बस ये है कि ये ध्यान रखिएगा कि आप जो भेजते हैं वो सारे बस क्या हो बस अच्छे तरीके से आपको आने लग जाए ठीक है यहां से बात करेंगे हार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी बात है उन्होंने चार शब्द जोड़े हैं वो मैं आपको जोड़ देता हूं एक छात्र ठीक है एक वहां के कर्मचारी ठीक है यानी छात्र के साथ में आप याद रखिएगा छात्र छात्राएं ठीक है, है एक कर्मचारी और कर्मचारी के साथ में वहां का प्रशासन ठीक है प्रशासन और एक आप ध्यान रखिएगा वहां का पुस्तकालय इनके लिए आप अंग्रेजी शब्द भी ले सकते हैं एक स्टूडेंट है साथ में दूसरे वहां का स्टाफ है तीसरा जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन और चौथा जो है वो है क्या भाई लाइब्रेरी ठीक है ना बिल्कुल बिल्कुल हाँ आप लगातार जवाब भेज सकते हैं जैसा मैंने आपको कहा कि आप लगातार हमारे साथ जुड़े हैं तो जो भी आपके प्रश्न होते हैं वो सारे हम यहाँ से भेज सकते हैं भाई ठीक है ना आ जाइएगा नए के साथ में आ जाइएगा बिल्कुल भाई जिन साथियों का जवाब आ रहा है बहुत अच्छी बात है जवाब भेजते रहिएगा नए प्रश्न के दिग्दर्शन आज के इस लाइव सेशन का लास्ट क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई पड़ रहा है लास्ट क्वेश्चन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और यह भी पहले एग्जाम में पूछा गया है लास्ट क्वेश्चन है बिल्कुल बिल्कुल भाई हृदय बताया है डिलीट की उपाधि बहुत अच्छी बात है ब्रेन कहा है एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक है ना मस्तिष्क की संज्ञा दी है कर्मचारी जो होते हैं वो वहां की सोल यानी आत्मा होते हैं स्टूडेंट जो होते हैं वो वहां की बॉडी होता है और लाइब्रेरी जो है वो वहां का क्या होता है हार्ट होता है ये आपको क्या रखना है ध्यान में रखना है लया और अंतिम क्वेश्चन आज के इस लाइव सेशन का दोस्तों वो है कौन सा वो है हैदराबाद पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट कब लागू हुआ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस एक्ट के लिए आपके पास में डेट है 1950, 1955, 1960 और 1965 ये आपके पास डेट है तो फटाफट से आप अपने जवाब भेज दीजिए जो जो साथी हमारे साथ जुड़े हैं लगातार हमारे से आप क्या कर सकते हैं इन प्रश्नों के सवाल जवाब जो है वो आप प्राप्त कर सकते हैं ठीक है ना जैसा सीन हमें आपकी ओर से मिलता है उसका हम लोग सो परसेंट जो है दोस्तों तो वो उसको और ज्यादा अच्छा करने का हम लोग प्रयास करते हैं यहां से आपके जवाब आ रहे हैं तो वो में 1950, 1955, 1960 और 1965. जो, जो साथी भेज रहे फटाफट भेजिएगा उत्तर यहां से बनाइएगा उत्तर में बनाइएगा बी इज राइट ऑप्शन और बी में आप बना लीजिएगा या इस पार्ट का क्या हो जाएगा इंपोर्टेंट पार्ट के साथ में आज का अपना ये सेशन समाप्त हो जाएगा तो थैंक यू फॉर वाचिंग बस ये है कि आप क्या कर दीजिए आप ग्रेड थर्ड या ग्रेड सेकंड की जिसकी भी आप तैयारी करते हैं आप मेरे से निजी कर सकते हैं मेरा मोबाइल नंबर दिया रहा है नाइन फाइव टू नाइन डबल फोर वन नाइन फोर सिक्स सारी मैं बता दूंगा ग्रेड थर्ड ग्रेड फोर्थ सेकेंड है वो सारा आप लगातार हमारे साथ जुड़े हैं तो लगातार यू जुड़े रहिए और जैसा मैंने आपको कहा कि ऑथेंटिक क्वेश्चन है आप ऐसे प्रश्न शायद फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे तो वैसे ही प्रश्नों का समावेश जो है वो लगातार हम लोग आप आप लोगों के लिए करते रहते हैं जेके सेट का पेपर आप भेज दीजिएगा नए प्रश्नों के साथ दोबारा आपसे रूबरू होंगे तब तक के लिए जय हिंद